गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है मोनिका चंद्रावत और मैं कक्षा चौथे को पर्यावरण पढ़ाती हूँ। बुक निकालिए, पेज नंबर 53। कक्षा चौथी, विषय पर्यावरण, पार्ट 7, खिड़की से। अब सुबह हो गई थी, मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। एक लड़की थी, वो बोल रही थी अब सुबह हो गई, मतलब ट्रेन में जा रही थी, बोले अब सुबह हो गई है, कल रात को क्या हुई थी, जल्दी से सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जब वो खिड़की से बाहर झांक रही थी तो उसको क्या हो रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंख खुल गई। जब ट्रेन चल रही थी रात में तो सो गई थी, जब ट्रेन चल रही थी तो सुबह एकदम उसकी आंख खुली। बाहर प्लेटफार्म पर लोग, जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा प्लेटफार्म आया है और उस प्लेटफार्म बोर्ड पे लिखा था मंडला गांव। बाहर प्लेटफार्म पे मंडला गांव था। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। उसके पापा थे ना, उन्होंने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। हम स्टेशन पर उतरे, चाय पी और पानी की बोतल भर ली। वो स्टेशन पे उतरे, उन लोगों ने चाय पी और क्या करा, पानी की बोतल भर ली। ट्रेन फिर चल पड़ी, चाय वाय पी उन्होंने, पानी की बोतल भरी और उसके बाद क्या हुआ, ट्रेन चली, ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक था। जो वो खिड़की से बाहर बैठ के देख रही थी ना नज़ारा, वो क्या था, देखने लायक था। चारों तरफ हरियाली थी। जब वो चारों तरफ देख रही थी तो क्या था, हरियाली थी। मैदानों में लाल मिट्टी, मिट्टी में छोटे छोटे पेड़ पौधे पहाड़ी से ढके हुए थे। जो मैदान थे ना वो लाल मिट्टी थे, लाल मिट्टी से जो उनके जो पहाड़ वहाड़ थे ना, वो छोटे छोटे पेड़ पौधे, छोटे बड़े पेड़ पौधों से पूरा हरियाली से ढके हुए थे। कहीं कहीं छोटे तालाब दिखाई पड़ते थे। कहीं कहीं उसको क्या होते थे, छोटे तालाब दिखाई पड़ते थे। वहाँ बहुत दूर पहाड़ी से बीच पानी दिखाई दे रहा था। बहुत दूर पहाड़ी थी, उसके बीच में से क्या दिख रहा था, उसको पानी दिख रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि नदी है या समुद्र है। वो बहुत दूर से उसको दिख रहा था पर उसको समझ नहीं आया था कि वो नदी है समुद्र है। समुद्र के वहाँ पर क्या हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। फिर क्या हो रहा था, हवा आ रही थी। अहमदाबाद की तरह गर्मी नहीं थी। जो अहमदाबाद में क्या होता है, गर्म रहता है, तो रहते वहाँ पर गर्मी नहीं थी। ट्रेन अभी अभी एक स्टेशन का फाटक से गुजरी। ट्रेन की ना जो वो एक स्टेशन के फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पास बस, कार, ट्रक, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगा, तांगे में बैठे लोग ट्रेन से गुजरने का इंतजार कर रहे थे। मतलब बस खड़ी थी, कार खड़ी थी, साइकिल वाले खड़े थे और ट्रक खड़ा था, ट्रैक्टर खड़ा था और तांगे वाले खड़े थे। सब लोग क्या कर रहे थे, ट्रेन निकल जाने का, फाटक बंद हो गया था तो फिर ट्रेन निकलती उसके बाद ही वो पार करते ना, तो वो सब इंतजार कर रहे थे कि फाटक खोले तो हम लोग यहाँ से निकले हैं। गाड़ी, कुछ लोग इंतजार अपनी गाड़ी मतलब निकलने का कि वो खुल जाए फिर निकलेंगे, इंतजार कर रहे थे। लोग ट्रेन के गुजरने के इंतजार कर रहे थे। कुछ लोगों को अपनी गाड़ी का इंजन भी बंद नहीं करा। जो गाड़ी स्टार्ट ही थी, जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई थी, उन्होंने अपने इंजन बंद ही नहीं करा। रेल फाटक के वहाँ पर कितना धुआं हो गया था, प्रदूषण फैल रहा था। वो बोल रहा था रेल निकल रही थी, वहाँ पर गाड़ियाँ बंद नहीं कर रही थी तो क्या हो रहा था, प्रदूषण फैल रहा था। कितना शोर था, मैंने देखा कुछ लोग बंद फाटक के नीचे से भी झुक कर निकल गए। जो कुछ लोग खड़े होंगे पैदल चलने वाले, उन्होंने देखा कि अब फाटक नहीं खुल रहा है, देर से खुलेगा, तो वो लोग क्या करा, फाटक के नीचे से घुस के निकल गए। कितना खतरनाक है ये, उसने कहा ये कितना खतरनाक है। मान लो अगर निकल रहे हो और इतने में ट्रेन आ जाए तो कोई सा भी दुर्घटना हो सकती है ना आपके साथ। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरे ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजर जाती। उसने कहा कभी कभी हमारी ट्रेन जो उनकी ट्रेन थी ना, वो दूसरे ट्रेन के बिल्कुल पास से, आपने देखा आप ट्रेन में बैठते हो तो पास में से एक गाड़ी क्रॉस करती है ना, तो उसने देखा कि हमारी गाड़ी भी इतने पास से दूसरी ट्रेन पे क्रॉस कर रही थी। बोल रहे थे मैं और
मतलब मिस्टेक आ जाती, कितनी बार भी गिनते हो तो हमारी गिनती में गलत हो जाती थी, हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाती थी, दोनों की गिनती गड़बड़ा लग जाती थी, मेल ही नहीं खाती थी। मैं खिड़की के पास आँख बंद करके बैठी थी, उसने क्या बोला, मैं खिड़की के पास क्या करके बैठी थी, आँख बंद करके बैठी थी। अचानक ट्रेन चल रही और आवाज बदल गई, वो बैठी हुई थी आँख बंद करके, उस आँख बंद करके बैठी थी, अचानक ट्रेन की आवाज क्या हो गई, बदल गई खड़ उसे देखा एकदम अचानक क्या हो गया। मैं यहाँ खोली अंदाज लगाया, मैंने क्या देखा, हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही है, जो नदी के ऊपर जो पुल होता है ना, वहाँ से ट्रेन क्या कर रही थी, गुजर रही थी। कितना बड़ा पुल था, उसने बोला बहुत बड़ा पुल था, पुल पर आने जाने वाले मतलब पहिए थे, पुल उसने जैसे ही देखा कि कहाँ थी, वो पुल के ऊपर थी। मैंने खिड़की से नीचे झांक के देखा तो मुझे बहुत डर लगा, उसने एकदम खिड़की को नीचे झांका तो उसको क्या हुआ, बहुत डर लगा। पटरी के नीचे जमीन तो नहीं थी, जब नीचे पानी था जमीन थी नहीं, है ना, केवल पानी ही था, क्या था, पानी ही था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी, नदी में क्या हो रहा था, कुछ नावें भी दिखाई दे रही थी, किनारे कुछ मछुआरे थे। मैंने उन्हें हाथ हिलाया, इशारा किया, जब वो गाड़ी में बैठी थी तो नीचे उसने नदी में देखा तो कुछ मछुआरे थे, तो उसने क्या करा, हाथ हिला के उनको इशारा किया। फिर वो कहती है, पता नहीं उन्होंने मुझे देख पाए कि नहीं पाए वो लोग, क्योंकि ट्रेन इतनी जल्दी चलती है, आप सामने वालों को देख लेते हो, बाहर वाले आप लोगों को एकदम नहीं देख पाते। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरा वाहनों के लिए भी पुल था, जो ट्रेन का पुल था ना उसके उधर ही दूसरी ओर वाहनों के लिए भी एक पुल था, पुल बनाया गया था। इस पर पुल पर अलग अलग तरह के से बना था वो पुल, अलग तरह मुझे लगा कि हम जैसा पुल ऊपर से जाने से ज़्यादा मज़ा आता है। वो क्या बोल रहे थे, पुल के ऊपर से जाने से ज़्यादा मज़ा आता है। पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार थे, जो उसके पिछले के कुछ घंटे थे वो क्या थे, बहुत मज़ेदार थे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर बर्थ पर लेट गई, उसने क्या करा, नाश्ता करा और फिर क्या करा, ऊपर वाली बर्थ पर लेट गई कॉमिक्स पढ़ने लगी, और क्या करने लगी, कॉमिक्स पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज धूप खिल रही थी, बाहर क्या हो रहा था, बहुत तेज धूप खिल रही थी। अचानक में बिल्कुल अंधेरा हो गया, अचानक अंधेरा हो गया, थोड़ी ठंडी सी लगने लगी, बहुत डर गई मैं। अचानक ऊपर गई, पहले तो बहुत धूप थी, फिर अचानक अंधेरा जैसा हुआ और ठंड लगने लगी, वो क्या हो गई थी, बहुत डर गई थी। कुछ ही देर में ट्रेन के अंदर बत्तियां जलने लगी, कुछ देर बाद क्या हो गया, ट्रेन के अंदर जो लाइटें थी ना वो क्या हुई, जलने लगी, पर बाहर बिल्कुल धूप में अंधेरी थी, धूप थी नहीं, बिल्कुल अंधेरा था। किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे, किसी ने मतलब ट्रेन में बोलने वाले को एकदम अंधेरा हो गया था, तो वो किसी ने बोला कि हम गाय के नीचे है सुरंग से गुजर रहे हैं, पहाड़ को काट के बनाई है यह सुरंग, काय को काट के बनाई थी, पहाड़ों को काट के, ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं हो रही थी, और क्या लग रहा था कि सुरंग मतलब चलते जा रहा था और सुरंग खत्म नहीं हो रही थी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ वो वैसे ही पहले तरह भरपूर रोशनी हो गई, जैसे अचानक में अंधेरा हुआ था ना, फिर जैसे सुरंग के बाहर निकली तो वापस से क्या हो गई, रोशनी आ गई, खिड़की से बाहर चमकती हुई धूप रोशनी हरियाली थी। फिर वापस देखा जब वो ट्रेन में सुरंग बाहर निकल चुके थे, वो ट्रेन क्या हो गई थी, सुरंग के बाहर आ गई थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ों से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पहुंच गए, उसके पापा ने बोला हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पहुंच गए, तब से अब तक हम चार छोटे छोटे सुरंग से गुजरे, उसके पापा ने बोला अभी तक तो हम कितने सुरंग से गुजरे, चार छोटे सुरंगों से गुजरे। सुरंग के बाहर जाने ज्ञान, जब वो सुरंग से निकल गए ना तो अब उसको
डर नहीं लगा, मुझे डर नहीं लगा। फिर जब दूसरी बार सुरंग आई तो उसको क्या हुआ? डर नहीं लगा बल्कि मजा आया। क्या हुआ? मजा आया। अब दोपहर हो गई थी, हम स्टेशन पर गए, गर्मा गर्म इडली बड़ा खरीदा। आप फिर जब स्टेशन दूसरा स्टेशन आया तो रुके, उन्होंने क्या करा, गर्मा गर्म इडली और बड़ा खरीदा। उसको खाने उस मतलब इडली और बड़ा खरीदा, उसे खाया। वहाँ पर से हमने क्या खरीदे? केले खरीदे। वे तो बहुत छोटे छोटे थे, जो केले उन्होंने खरीदे वो क्या थे? बहुत छोटे थे, पर खाने में कैसे थे? स्वादिष्ट थे। खाने में वो कैसे थे? बहुत स्वादिष्ट थे। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया, बाहर का जो नज़ारा था बिल्कुल बदल गया। अब हम हरे हरे खेत, बहुत से नारियल के पेड़ देख पा रहे थे। वो खेत देख रहे थे, नारियल के पेड़ देख रहे थे। अम्मा ने बताया कि अब हम चावल की खेती होती है। अम्मा ने उसको बताया यहाँ कौन सी खेती होती है? चावल की खेती होती है। बाहर से सब कुछ अलग दिखाई दे रहा था, बाहर का नज़ारा था ना वो क्या रहा था? अलग दिखाई देता। यह गोवा, अब वो कहाँ पहुँच गए? गोवा है वो, सॉरी ये गांव, वहाँ के गांव, गांव और जो बने घर थे ना वो अलग थे। यहाँ के लोगों का पहनाव भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। यहाँ के जो पहनाव था ना वो अहमदाबाद के लोगों से अलग था। ज़्यादातर लोग यहाँ पर सफ़ेद या क्रीम रंग, जो सफ़ेद कलर या क्रीम कलर की क्या पहनते हैं? धोती और साड़ी पहनते हैं। अहमदाबाद में हम सब चलते बहुत से लोगों के बीच स्टेशन पर उतर गए। जो अहमदाबाद से जो लोग चढ़े थे ना उनके साथ, वो आधे स्टेशन पे उनका स्टेशन आ गया होगा तो वो लोग उतर गए थे, और कुछ लोग वहाँ से नहीं चढ़े। वो जो आधे अहमदाबाद से उनके जो साथ चढ़े थे ना वो कुछ स्टेशन पे उतर गए, वहाँ से कुछ लोग तो नहीं चढ़े। सुनील और रेना से मिलकर अच्छा लगा। आज जब अहमदाबाद से वो चले दूसरे लोग मिले ना तो उनको एक सुनील नाम का और एक रेना नाम के मिले। अब रात हो चुकी थी, हम अपना सामान बटोर रहे थे। रात हो गई थी, अब वो अपना सामान क्या कर रहे थे? क्योंकि उनको स्टेशन आने वाला था, वो अपना सामान बटोर रहे थे। लगभग 3 घंटे बाद हमारा स्टेशन आने वाला था, हम उतरने वाले थे। 3 घंटे बाद उनका क्या था? स्टेशन आने वाला था। आज रात को हम बली अम्मा के घर जाएंगे, बली अम्मा के घर जाएंगे। वहाँ से सुबह उठकर हम अम्मा गांव में रवाना हो जाएंगे। सभी बहुत थके हुए थे। अब क्या हो गया था, 2 दिन हो गए थे उनको ट्रेन में, तो वो लोग क्या हो गए थे? बहुत थक गए थे। आज ट्रेन हमारे दूसरा दिन खत्म हो गया, तो उनका दूसरा दिन क्या हो गया था? खत्म हो गया था। बाप रे, कितने लंबे सफ़र किया, कितना लंबा सफ़र किया, कितना मज़ा आया। घर पहुँच कर फिर डायरी लिख लिया, वो थक गई थी, और फिर उसने क्या बोला, घर जाके मैं डायरी लिखूँगी। किसको क्या बुलाते हैं? माँ की बहन को अपन क्या बोलते हैं? मौसी। क्या बोलते हैं? मौसी। माँ की माँ को नानी, पिताजी की बहन को पापा की बहन को अपन क्या बोलते हैं? बुआ। पिताजी की मम्मी को क्या बोलते हैं अपन? दादी। अब ये देखिए, मंडला गांव केरल राज्य में था, सही। गोवा में क्या हो रहा था? ठंडी हवा आ रही थी ना, सही। पुल पहाड़ पर बना था, गलत। कहाँ बना था वो? कहाँ से जा रहे थे ये लोग? पानी के कपड़े से निकल रहे थे ना। गोवा से केरल मक्के सुरंग, उनकी सुरंगे थी, गलत। गोवा की जलवायु कैसी थी? गोवा की जलवायु कैसी थी? वहाँ पर जाने के बाद उसको कैसा लग रहा था? ठंड लग रही थी ना। गोवा की जलवायु ठंडी है। केरल लोगों के मुख्य
नदी। केरल के लोग रंग धोती पहनते हैं। कैसी पहनते हैं? लाल के सफेद सफेद। माँ की बहन खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं माँ की बहन को? बुआ के मौसी मौसी। केरल की भाषा, केरल की भाषा क्या है? मलयालम।